बार थोड़ा सा स्पेशल करने वाले मेरे बर्थडे पे, तो वो ये है कि हम शुगर नाउ यू आर 6 मंथ ओल्ड। ये इम्पेशेंट लड़का गिफ्ट लेके बैठा है, इसको अनबॉक्स करें और फिर हम निकले क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। क्या होगा इसमें तुम्हारे हिसाब से? शूज। ये मुखिया अपनी पसंद के मंगवाए हैं मेरे लिए। देख के तो पहन के देखूं क्या? तो पहन के तो ये कुछ ऐसा लग रहे हैं, कुशनिंग भी अच्छी है, कंफर्टेबल भी है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मुझे चाहिए। जूते भी मतलब 7 out of 10 है। मुझे लगता है मुझे रिटर्न करा देना चाहिए ना। देखते हैं। मेरे पास भी गिफ्ट। अरे मेरा तो टैग भी नहीं निकला है। गाइस जस्ट लुक एट दिस, ओह माय गॉड। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस आज है 18th of May एंड आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस। एंड आपको ऑलरेडी पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि आज शुभी का अन्नप्राशन होने वाला है, आज वो पूरे 6 months कंप्लीट कर लेगी और हम दोनों ना सेम बर्थडे डेट शेयर करते हैं। साथ में ही हम लोगों की जो राशि है ना वो भी सेम ही है। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए। मम्मी ने घर में पूजा रखवाई है और साथ में जा रहा है यूनिक्स। मम्मी कहती है जब भी तू और मुक्की आते हैं ना तो मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है, लेकिन जब यूनिक साथ में आता है ना तो अच्छा लगता है। तो अभी हम मार्केट के बीच में रुके हुए हैं और मुक्की गया है केक लेने के लिए। मैंने सोचा है कि शुभी अपने 6 months का केक काट लेगी और मैं अपने 16 year का। हाय हाय, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो बस अभी चलते हैं हम लोग घर के लिए और वहाँ होगी पूजा। और आज का जो मेरा बर्थडे होने वाला है ना गाइज, वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज से पहले ना मतलब बचपन में मैंने कभी भी ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए जैसे बच्चों के होते हैं ना। मैंने कभी ज़िद की थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो, बट आज फाइनली मैं वो चीज़ करने वाली हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। बस मैं अभी भगवान से ही प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में और देखिएगा किस तरीके से मैं अपना बर्थडे आज सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो हमारा बर्थडे केक आ गया है, यिप्पी। पूजा का आज मुहूर्त 11 बजे के बाद का ही था। से जो लड़कियों का अन्नप्राशन होता है ना वो या तो 5 months में होता है या 7 में होता है, लेकिन मेरा बर्थडे भी आ रहा था तो मम्मी ने कहा कि 6 months उसे कंप्लीट हो जाएंगे तो आज से 7 लग जाएगा उसे, तो आज ही करवा देते हैं, तेरा बर्थडे भी हो जाएगा और उसका अन्नप्राशन भी हो जाएगा। और घर चल के मिलवाते हैं आपको हमारी प्यारी प्यारी शुभी से। कुछ हो रहे हो, कौन आया, कौन आया? बोलो आज मैं 6 months का हो गया हूँ, मैं 6 months का कंप्लीट हो गया। कितना खुश हो रहा। ये देखो शुगर ने नई नई ड्रेस पहनी है, ये बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहा है, मैं भी फ्रॉक पहन के ऐसी लगता था। हाथ धू किसी की नजर ना लगे। हंस दो भाई, हंस दो, थोड़ा सा हंस दो। पतले पत्ते काटो। खिले बनाते ना पीना के आज के पूजा के। पापं पूजाति पुनवोऽस्तु शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदं वसे गन्धासुरपुष्पधूपदीपनैवेद्यं समर्पयामि प्रार्थनां कुरु। हरि ओं ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे जाई आप तैयार हो, आप तैयार हो? पता है डांस कर रहा है यहाँ पे खड़े खड़े और मुँह से आवाज नहीं निकाल रहा था वही। मेरा हाथ ठेल रहा है पीछे को। दवाई सोच रही हूँ। कहाँ खा रहा है तो खा रहा है। स्वाद आ रहा होगा। कैसा लग रहा है? तुम भी खिलाओ। दिखाओ फोटो। पहले ना इतना फर्क है। आ जाओ खाली टच करवाना है। फोटो खिंचवा लो। मुझे देख रहा है। क्या खा रहे हो? आ जाओ। क्या खा रहे हो? मजा आ गया। देख 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 दे
मुंह भी भर गया तेरा तो भर खा आकड़ो 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 मम्मी दवाई दे उठा बाच इधर को ले बस क्या चाहिए तेरे को ले तू पुजारी बन हां नन 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 चली पूजा चलो सुबह एक चीज पकड़ो जल्दी आओ 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 आ गया हां चल बाबा जोर लगा रहा है ना लगा लगा जोर लगा गुड 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 हां मतलब इसका हाथ पकड़ो दीदी आराम बैठा ले बैठा ले खा प्लीज बैठो 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 फिर ये लेटे लेटे ही अपना होमवर्क करेगा हां ये कर दे पहले लंबे समय बन जाएंगे वो क्या बना रही डाली पकौड़ा ये देखो बुआ और शुगा ने ट्विनिंग कर ली है ब्लू ब्लू बहना है ना अब शुगा और बुआ जाएंगे केक काटने केक काटोगे आप शुगा का फर्स्ट केक होगा है ना कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटामस के साथ ये हिप्पोपोटामस नहीं है मेरे शुगा है गजब बेइज्जती है लग रहा है मेरी तरह हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dodo Suga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तेरे हिस्से में थोड़ा सा ही कटा बोला था मुझे नहीं खाना और पूरा मुंह खोल के खा लिया तो आज मेरा बर्थडे है लेकिन मैं सारे गिफ्ट अनबॉक्स कर रही हूँ बहुत टाइम से तो ये शुगा का गिफ्ट है लेकिन इसको अनबॉक्स भी मैं ही करने वाली हूँ लो पापा इसको बिठाओ इस पे शुगा तेरी BMW आ गई ये कितनी सुंदर बात है हां ये देखो ये बैठो बैठो ये भाई बाय बड़ा ही हैक्टिक दिन हो गया है हमें लगा था सब कुछ फटाफट से निपट जाएगा बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस बार थोड़ा सा स्पेशल करने वाले मेरे बर्थडे पे तो वो ये है कि हमने सोचा था कि हम कुछ लोगों में खाना बंटवाएंगे तो हमने सोचा था कि घर पे हम लोग कुक कर लेंगे मम्मी और मैं बट मम्मी की तबीयत तभी ठीक नहीं है और मेरा भी कुछ मामला ऐसे ही सा चल रहा है तो फिर हमने सोचा कि बाहर से इस बार हम पैक्ड करवा लेते हैं तो हमने कुछ फूड पैकेट्स बनवाए हैं तो बस अभी हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं अभी हम वो फूड पैकेट उठाएंगे और जहाँ जहाँ हमें जो जो लोग दिखेंगे हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएंगे और आज थर्सडे भी है बहुत अच्छा दिन है ये चीज़ मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी तो एक स्वीट शॉप है जहाँ पे हमने ऑर्डर दिया था वहाँ से अभी हम लोग अपना ऑर्डर लेंगे और देखते हैं कहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाए और हम उनको वो चीज़ दे पाएँ तो अच्छा लगेगा हम लोगों को मम्मी ने कहा है कि जो सबसे पहला पैकेट होगा वो किसी गाय को दे देना अगर गाय मिलती है उसके बाद शुरू करना चलो ये भी ठीक है बस लोग मिल जाए और अच्छे से सब कुछ धूप में ढूंढना लोगों को थोड़ा मुश्किल काम होगा धूप बहुत हो रही है बहुत तेज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर और फिर शाम को देखते हैं मम्मी पापा को बाहर लेके चलेंगे डिनर पे है ना तो हम बस फैमिली डिनर पे जाएंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे चला जाएगा थैंक यू भैया यूनिक्स आ जाएगा हाँ और ये हमने यही रखवा दिया डिग्गी में तो आ नहीं रही क्या हेलो देने से पहले चखना तो पड़ता है कैसे दे रहे हैं
अच्छा भैया ने ना इसमें अपनी मर्जी से काजू भी मिला, सो स्वीट। उन्होंने कहा हमें पता चल गया तुम किसी को देने जा रहे हो, अपनी श्रद्धा से उन्होंने ये मिलाया। टेस्टी हो रहा है यम्मी। अब बता कहाँ से शुरू करें, ये यहाँ तक मेरा काम था, आगे तेरा काम है। सबसे पहले चलते हूँ उधर ही साईं बाबा मंदिर की तरफ या दुर्गा मंदिर की तरफ, उधर कोई नहीं रहता, वहाँ पे मिल जाएंगे लोग। दुर्गा मंदिर साइड मिल जाए ना, साईं बाबा कल मैं गया था ना वो खाली था पूरा। आज थर्सडे है ना, चल हम चल रहे हैं, क्या गाड़ी तो चलानी है, चलते हैं। और खाना बड़ा टेस्टी है, जो मन से बनता है ना खाना वो अच्छा ही बनता है। हमें सामने से आती हुई दिख रही है गौ माता, इतने प्यार से खा रही है वो। तो कुछ इस तरह के बॉक्स हमने बनवाए हैं और अभी यहाँ पे इतनी सारी गायें मिली ना हमें, तो हमने सबको भी खिला दिया। अब चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। वही है, सबसे पहले हमें चाहिए था कि गाय मिले और इतनी सारी गायें मिल गई, वाह मन खुश हो गया है ना। हम लोग आए थे सिविल लाइन्स के साईं मंदिर के सामने और यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा लोग मिल गए। हम लोगों ने जस्ट अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क की और आधे से ज़्यादा लोग तो घर ही बैठे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो खाना खा रहे हैं, वो लोग सो गए थे पता है। और फिर बस यहाँ पे हमने दे दिए कुछ पैकेट्स सबकी और बचे हम लोगों के पास। जैसे चलते हैं, मुक्की को लग रहा था पता नहीं हमें लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट मेरे को विश्वास था कि हम जाएंगे तो हमें खुद से लोग मिल जाएंगे, मतलब हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिली। हम वहाँ पे खड़े थे और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे, और फिर भी अभी हमारे पास कुछ पैकेट्स बचे हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं दुर्गा मंदिर की तरफ, है ना, ये पुल की तरफ चले। हम लोग आ गए दुर्गा मंदिर के पास और यहाँ पर तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, बंद है ना। आई थिंक हमें पुल के पास जाना चाहिए, यहाँ बंद है मंदिर तो आज यहाँ पर, मुझे लगता है शाम को खुलता है। मुक्की को बुलाओ, छोटू खाना खाओगे, खाना खाओगे, अरे पीछे हट जा। कोई और है साथ में? मेरी बहन है। कहाँ है बहन? उसको भी दे देना। यूनिक बहन है, बहन बहन के लिए भी ले जाओ, लाओ मैं रखा हूँ, लाओ इसमें डाल। ज़्यादा खुशी इस बात की मिल गए लोग टाइम पे, जो उसे मैं सोचती थी आज वो मैंने कर ली है ना, तो अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हम तक खुद ही आ गए और कुछ किसी को हम लोग मिल गए, तो अच्छे से हो गया। तो मुझे खाली उस बच्चे को देने की है जिस जो उनसे मांग रहा था ना, एक बच्चा खड़ा था वो किसी और से मांग रहा था, वो उसकी तरह देख भी नहीं रहे थे। फिर हमने उससे पूछा खाना खाओगे, उन्होंने कहा किस्मत दे रहा, बाई चांस हम भी पहुंच गए और हम भी बोल रहे कि यार इससे पूछ लेते हैं, हमें पहले पता नहीं था उस टाइम पे कि मतलब वो मांग रहा है खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। पर जितने पैकेट्स हमने लिए थे हमने सारे बांट दिए, अच्छा लग रहा है कि मतलब जिस काम के लिए हम निकले थे वो अच्छे से हो गया। चलो अगली बार डबल करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम इनिशिएट करते रहेंगे चीज़ों को और अच्छा और इससे अच्छा करते जाएंगे। तो बस अभी चलते हैं हम लोग घर और अभी तो काफ़ी ज़्यादा थक गए, शाम को देखते हैं शाम का क्या प्लान होगा। अभी पहले अब अपने पेट का देखना है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया पता है, वापस पकौड़े तलने पे थी और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया और इतना सारा केक खिला दिया कि उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं किया। तो रात को हम लोग गए सब बाहर डिनर के लिए, पहली बार हम सब फैमिली डिनर के लिए बाहर आए थे और ये स्पेशल केक मम्मी ने मेरे लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि मम्मी ना हमेशा मेरे लिए बर्थडे पे केक ही बनाती है और इस बार भी चाहती थी वो केक बनाए, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी ने ये मेरे लिए ऑर्डर किया। सो हमने यहाँ पे भी एक और बार केक कटिंग की, सेलिब्रेट किया बर्थडे, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लग रहा था। फैमिली के साथ ऐसे कभी बाहर आए नहीं थे तो पहली बार आए, लेकिन अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे किया डिनर और इन्जॉय किया अपने माहौल को, बातें बातें की थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और आज का जो दिन था ना वो यादगार रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। सो ये मैंने आप सबसे भी शेयर कर दिया और अपनी मेमोरी के लिए भी सेव कर लिया है ये। सो गाइस मैं आ गई हूँ वापस घर, हम लोग गए थे डिनर के लिए और ये था आज का मेरा पूरा दिन, ये था आज का मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, ये था 18 मई 2023 और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी, ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे था अब तक का। सो
हमेशा मैं बर्थडे में केक काटते वक्त विश करती थी, कुछ ना कुछ मांगती थी भगवान से, लेकिन इस बार मैंने भगवान से यही कहा कि जितना भी है, जो भी है, जैसा भी है, मैं उसमें खुश हूँ, और जितना भी, जो भी, जैसा भी आप दोगे, मैं उसमें भी आगे खुश रहूँ। सो आई एम सो ब्लेस्ड, इतनी अच्छी फैमिलीज मिली है मुझे, सब कुछ आज अच्छे से हो गया, यही चाहिए था मुझे। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट किसी व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल। बाय गाइस।